होनी चाहिए। आपको पता है कि जब कोई चीज होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर दिया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। पहली बार को आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसकी देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है, हम लोगों को उसका अध्ययन करेंगे। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा रूट में पड़ने वाले सभी होटलों और ढाबों पर मालिकों की नेम प्लेट लगाने का निर्देश दिया था। मुजफ्फरनगर पुलिस के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस आदेश को पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी। नेम प्लेट विवाद अभी चल ही रहा था कि इसी बीच उत्तराखंड के हरिद्वार का एक मुद्दा चर्चा में आ गया। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाली दो मस्जिद और एक मजार को सफेद कपड़े से ढक दिया गया था। इसे लेकर जब सवालों ने तुल पकड़ा तो वापस पर्दे को हटा दिया गया। आइए क्या है पूरा मामला विस्तार से जानते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा के दौरान आर्यनगर के पास इस्लाम नगर की मस्जिद और ऊंचे पुल इलाके में बनी मजार और मस्जिद को सफेद पर्दों से ढक दिया गया था। हरिद्वार में मस्जिद और मजार को ढकने का ये पहला मामला बताया जा रहा है। उत्तराखंड में धर्मस्य और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, मस्जिदों और मजारों को इसलिए ढका गया था ताकि कोई विवाद ना हो। सुनिए उत्तराखंड के धर्मस्य और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्या कुछ कहा। होनी चाहिए, आपको पता है कि जब कोई चीज होती है तो उसमें कुछ ओट लगा देते हैं, तो इस प्रकार से अगर दिया गया है तो यही है कि कोई उत्तेजना ना हो, कोई भड़के नहीं और हमारा कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसका ध्यान रखा गया। पहली बार को आपको पता है जब कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उसको भी ढक दिया जाता है, तो इस प्रकार से ये किया गया है। अब इसकी देखेंगे क्या इसका फीडबैक मिलता है, हम लोगों को उसका अध्ययन करेंगे। वही इस्लामिया मस्जिद के सदर अनवर अली प्रशासन ने इस कदम पर एतराज जताते हुए कहा कि पता नहीं यह फैसला क्यों लिया गया है। उन्होंने कहा, इससे पहले कभी भी मस्जिद को नहीं ढका गया, कभी पर्दे नहीं लगाए गए, इससे मस्जिद के बाहर रेहड़ी ठेली लगाने वालों का रोजगार प्रभावित हुआ, साथ ही कांवड़ियों को भी चलने ठहरने में दिक्कत हो रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिदों और मजारों पर पर्दे 18 जुलाई को लगाए गए थे, जिन्हें 26 जुलाई को हटा लिया गया। हालांकि पर्दों के हटाने का अभी तक कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। आइए सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा रूट पर क्या कुछ कहा ये भी जानते हैं। दरअसल कांवड़ यात्रा के रूट में पड़ने वाले होटलों और ढाबों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने पर विवाद हुआ, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। तब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के आदेश कहो या फरमान कह लीजिए पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा नेम प्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यूपी में कांवड़ रास्ते में होटलों ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम या पहचान उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है, दुकानदारों को बस खाने का प्रकार बताना होगा। दुकानदार अपनी दुकान पर शाकाहारी या फिर मांसाहारी किस प्रकार का खाना बेच रहे हैं, बस उन्हें ये बताना होगा। आइए एक नजर नेम प्लेट विवाद शुरू कहां से हुआ इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर पुलिस के एक आदेश से। इसमें कहा गया कि जिले में जितने भी कांवड़िय मार्ग हैं, उन पर जितने भी होटल, ढाबा, दुकान और ठेले वाले हैं, उन सभी को अपनी दुकान के बाहर मालिक का नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना पड़ेगा। इसके बाद मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक सिंह ने इसके पीछे की वजह का जिक्र करते हुए बताया, ये इसलिए जरूरी है कि किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति किसी भी कांवड़िये के अंदर ना रहे, ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जिससे आगे चलकर आरोप प्रत्यारोप हो और कानून व्यवस्था खराब हो, इसीलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये कदम जरूरी था। मुजफ्फरनगर पुलिस के आदेश के बाद 19 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। सरकार के मुताबिक कांवड़ियों की सुचिता बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्यवाही होगी। इसके बाद ऐसा ही एक आदेश उत्तराखंड के हरिद्वार में लागू किया गया।
इसके बाद 20 जुलाई को उज्जैन के मेयर ने भी दुकान के मालिकों को अपने नाम और फोन नंबर वाली नेम प्लेट लगाने के लिए कह दिया। चलिए आखिर में ये जानते हैं कि कौन कौन ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचा। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के इन आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई। एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की मांग की। एक याचिका टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की तरफ से दायर की गई। उन्होंने इस फैसले को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। महुआ के अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना है कि राज्य सरकारों के निर्देश अनुच्छेद 14, 15 और 17 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इस तरह जबरदस्ती थोपी जा रही एडवाइजरी राज्य की शक्ति सीमाओं से बाहर है। ये सार्वजनिक नोटिस के बिना किया गया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिले सबसे पहले। देखते रहिए दी कंटाव। शुक्रिया।